मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 दिन में ददाहू महाविद्यालय में दो प्राध्यापकों की नियुक्ति का भरोसा दिया है। शनिवार को भाजपा नेता बलवीर चौहान के नेतृत्व में रेणुका मंडल के करीब 150 भाजपा कार्यकर्ता व अभिभावक सीएम से मिले। प्रतिनिधित्व मंडल को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने पहले क्षेत्र हित को देखते हुए यह कॉलेज शुरू करवाया गया है तथा यहां फैकल्टी की व्यवस्था भी की जाएगी। पूर्व भाजपा प्रत्याशी बलवीर चौहान तथा मंडल अध्यक्ष प्रताप तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस साल उपयुक्त जमीन मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका के उद्घाटन समारोह के दौरान ददाहू महाविद्यालय के भवन के शिलान्यास का भी भरोसा दिया है। प्रतिनिधित्व मंडल में भाजपा पदाधिकारी प्रताप तोमर, बलवीर चौहान, विजेंद्र शर्मा, अरुण गर्ग, डीआर शर्मा, विनय कुमार व जगत सिंह आदि मौजूद रहे। नाम आपके सजेस्ट कर दें, एक दो नाम की बात हमने की है वो हम कर देंगे, लेकिन उसके अलावा और भी हम धीरे धीरे स्टाफ जो वहाँ पर बढ़ा करके, क्योंकि अभी कोई पहली मतलब शुरुआत है, अभी BA1 वहाँ पर शुरू की जा रही है, तो BA1 फर्स्ट क्लासेस शुरू करके जो हम आगे इसको ठीक करने की कोशिश करें। आज रेणुका निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से शिमला में मिला। हम रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के ददाहू के डिग्री कॉलेज को शुरू करने के लिए जो है आश्वासन दिया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। विकास के लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने तभी आग्रह किया है कि ये डिग्री कॉलेज शुरू होना चाहिए और आज ददाहू क्षेत्र के जो लगभग 150 के आसपास जो लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये डिग्री कॉलेज जो है शीघ्र अति शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए संगड़ाह से जय प्रकाश की रिपोर्ट।